प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी का, और उसके बाद चुनावी रैलियों के क्रम में लग गए हैं। मध्य प्रदेश की ये रैली देखिए। तो उन्होंने अपना भाषण भी छोड़ दिया और मुझे बोलने के लिए निमंत्रित कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी के इस जेस्चर के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार। साथियों, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। भाई और बहनों, देश की आजादी में और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत समृद्ध योगदान रहा है।
इस मिट्टी ने तो गौंड वंश के राजा भभूति सिंह के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है। यहां मेरी साथियों से प्रार्थना है कि अब मैदान में जगह नहीं है, कृपा करके आप थोड़ा थोड़ा संयम बरतिए, आप आगे नहीं आ पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया कृपया आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह नहीं है और ज्यादा भीड़ होगी, किसी को चोट लग जाएगी भैया, और आपको चोट लगना मतलब मुझे चोट लगना होता है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है।